वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर सीखे थे वन डिजिट नंबर में। आज हम सीखेंगे टू डिजिट नंबर में आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बिफोर नंबर यानी क्या होता है। तो बिफोर नंबर वो नंबर होते हैं जो भी नंबर दिया होता है उसके पहले आने वाला नंबर, उसके पहले कौन सा नंबर आता है वो हमारा बिफोर नंबर होगा। तो बात करते हैं हम पहले बिफोर नंबर की। तो फर्स्ट में दिया है यहाँ टू डिजिट नंबर दिया हुआ है 24। तो 24 में हम यहाँ पर टेंस के प्लेस पर क्या देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है टू और वंस के प्लेस पर लिखा हुआ है फोर। तो यहाँ पर जो टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको हम सेम वही का वही यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे। और फोर जो वंस के प्लेस पर दिया हुआ है तो फोर के पहले कौन सा नंबर आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फोर से पहले जो नंबर आता है काउंटिंग में वो क्या है थ्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री। तो 23 जो है वो क्या है 24 का बिफोर नंबर कहलाएगा। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 39। इसमें भी क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको सेम वही का वही लिखेंगे और नाइन के पहले काउंटिंग में कौन सा नंबर आएगा एट। तो एट नंबर जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 38 नंबर जो है वो क्या है 39 का बिफोर नंबर। अब थर्ड वाला देखिए 46। इसमें भी फोर सेम का सेम लिखेंगे और सिक्स के पहले काउंटिंग में जो नंबर आएगा वो इसका बिफोर नंबर होगा। तो सिक्स से पहले क्या आता है फाइव। तो 45 नंबर है जो 46 का बिफोर नंबर होगा। अब बात करेंगे हम आफ्टर नंबर की। तो आफ्टर नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर के बाद आते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 48। तो 48 के बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें भी टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको हम सेम वही का वही लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है टेंस के प्लेस पर फोर, तो हम फोर सेम वही लिखेंगे। और वंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ एट लिखा है तो काउंटिंग में एट के बाद कौन सा नंबर आता है वो यहाँ पर आएगा। तो एट के बाद कौन सा नंबर आता है नाइन। तो ये 49 जो है 48 का क्या कहलाएगा, ये आफ्टर नंबर। सेकंड वाला देखिए, यहाँ 85 लिखा है तो यहाँ एट को क्या करेंगे सेम वही का वही लिख देंगे और फाइव का आफ्टर नंबर देखेंगे। फाइव के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है सिक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिक्स। तो 86 जो है वो 85 का आफ्टर नंबर होगा। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 67। तो यहाँ पर सिक्स सेम रहेगा और सेवन के बाद क्या आता है काउंटिंग में एट, तो यहाँ क्या आ जाएगा एट। तो 67 का आफ्टर नंबर क्या होगा 68। अब बिटवीन नंबर देखिए, यहाँ पर बिटवीन नंबर वो होते हैं जो टू नंबर्स के बीच में आते हैं, वो क्या होते हैं बिटवीन नंबर। तो यहाँ 67 लिखा है और 69, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा बिटवीन नंबर। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको हम सेम लिखेंगे। ये सिक्स को हमने सेम लिखा और सेवन के बाद क्या आता है काउंटिंग में वो लिखेंगे। तो सेवन के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है एट नंबर, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 67, 68, 69। तो 67 और 69 का बिटवीन नंबर क्या होगा 68। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 55 और 57, इन दोनों का बिटवीन नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर टेंस की प्लेस पर जो नंबर है उसको सेम लिखेंगे और वंस की प्लेस पर जो नंबर है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 के बाद काउंटिंग में क्या नंबर आता है 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। 55, 56, 57, 55 और 57 का बिटवीन नंबर जो है वो क्या है 56। अब थर्ड वाला देखिए, 73 और 75, इन दोनों का बिटवीन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको हम सेम लिखेंगे और वंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको चेंज करेंगे। तो थ्री के बाद काउंटिंग में क्या आता है फोर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर। 73, 74, 75, 73 और 75 का बिटवीन नंबर जो होगा वो क्या होगा 74। एक बार फिर से देखिए, बिफोर नंबर क्या होंगे
जो भी नंबर दिया हुआ है उसके पहले काउंटिंग में क्या नंबर आते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, बिफोर नंबर कहलाएगा। और आफ्टर नंबर जो भी डिजिट दी रहेगी उसके बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आ रहा है वो नंबर हमारा आफ्टर नंबर होगा। और बिटवीन नंबर क्या होंगे, दो नंबर्स के बीच में जो नंबर आता है वो हमारा बिटवीन नंबर होगा। तो आज आपने इस वीडियो से टू डिजिट नंबर में आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर सीखा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।